हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवा बायो। सो आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक विच इज साइनोबैक्टीरिया। नाउ साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिकॉज इट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, साइनोबैक्टीरिया गेट्स इट्स नेम दैट इज साइन बैक्टीरिया। साइन मीन्स ब्लू कलर। ओके, साइन मतलब ब्लू कलर। तो ये जो ब्लू कलर है ये बैक्टीरिया को आता है ये पिगमेंट से विच इज फाइकोसाइनिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनिन मतलब ब्लू कलर विच इज ब्लूइश पिगमेंट। तो फाइकोसाइनिन बेसिकली क्या करता है, तो ये है ना जो लाइट जो है वो कैप्चर करता है। ओके, एंड देन साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट इज इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर विच विल सी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट है सेम एज दैट ऑफ प्लांट्स, हेंस दीज बैक्टीरिया कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कि लाइक सब साइनोबैक्टीरिया ब्लू नहीं होते, कुछ रेड या फिर पिंक भी होते हैं। तो फिर ये जो रेड या पिंक होते हैं ना इनमें ये स्पेशल पिगमेंट होता है विच इज नोन एज फाइको एरिथ्रिन। ओके, तो एरिथ्रिन मतलब क्या, इज सिमिलर टू मतलब एरिथ्रोसाइट्स, और एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज। ओके, और आरबीसीज का कौन सा कलर होता है, रेड। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि फाइको एरिथ्रिन मतलब जिसमें रेड पिगमेंट, रेडिश पिंक पिगमेंट होता है। ओके, नाउ ये जो रेडिश पिंक साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं अराउंड द सिंक्स एंड ड्रेन्स। तो जहाँ पे पुराना सिंक एरिया हो गया या फिर ड्रेन हो गया तो उसके सराउंडिंग में जो भी पिंकिश रेड कलर होता है ना वो डिपॉजिट होता है ये साइनोबैक्टीरिया का। सो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ये रेड एंड पिंक साइनोबैक्टीरिया का। तो जो रेड सी है हमारी इंडिया में पाई जाती है वो उसे ये नाम मिला है फ्रॉम ऑसिलेटोरिया। नाउ दी ये जो ऑसिलेटोरिया है ये एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है जिसमें रेड पिगमेंट होता है, और ये ऑसिलेटोरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है रेड सी में। हेंस ये जो सी है जो बेसिकली ब्लू कलर की होनी चाहिए या फिर वाटरी रहनी चाहिए उसमें रेड कलर आता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल अफ्रीकन फ्लेमिंगोस। तो हमें पता है फ्लेमिंगोज का कलर क्या होता है, पिंक होता है। तो जब भी ये फ्लेमिंगोज स्पिरुलिना खाते हैं तभी उनमें ये पिंक कलर आता है। तो स्पिरुलिना मतलब एक टाइप के बैक्टीरिया है जिसमें रेड पिगमेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफ इन नेचर। मतलब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, पैरासिटिज्मशिप नहीं होता है, किसी के खाने पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जब जो भी खुद को चाहिए वो खुद बना के लेते हैं। ओके, एंड खुद या फिर ऑब्टेन करते हैं। सो सम ऑफ देम आर फोटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं मतलब अभी जो मैंने बताया वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चर्स इज ओन फूड। अभी ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसे हम लोग बोलते हैं BGAB। तो BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गे सपोज हम लोग सपोज ऐसे ही पढ़ते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गे तो हमें लगेगा कि ये एल्गे है, बट नो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एल्गे। हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आंसर्स यहाँ पे है। तो फर्स्ट इज एक तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इट रिक्वायर्स वाटर। ओके, एंड नेक्स्ट ये फोटोसिंथेटिक है मतलब फोटोसिंथेसिस कैरी करता है पानी में रह के, hence it is somewhat similar to algae but it is not at all algae, as it is not algae it is a prokaryotic cell। okay, इसमें internal organs नहीं organelles नहीं रहते हैं जैसे कि mitochondria हो गया, chloroplast हो गया, ribosomes हो गया, ये सब नहीं रहता है इसके अंदर।
नाउ इनके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज इट कैन बी यूनिसेल्युलर, इट कैन बी फिलामेंटस और कॉलोनी में, या फिर कॉलोनियल बोलते हैं हम लोग इसे, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओके पाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके हैबिटेट पे। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे पाए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये बेसिकली अल्कलाइन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब सी में या फिर ऐसे जगह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वो सॉइल में भी पाए जाते हैं एंड कहीं 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 पे रॉक्स में भी पाए जाते हैं जहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ओके। सो उनका हम लोग यूजेस देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया का यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है कि साइनोबैक्टीरिया है जो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, मतलब जो भी पानी हम लोग डालते हैं किसी भी प्लांट को, तो इट हैज चांसेस कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ बह जाएगा। सपोज पानी हम लोग बहुत फोर्स से डाल रहे हैं, पर सपोज वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया है ना मैट्स फॉर्म करता है डाउन द सर्फेस, ड्यू टू विच वो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली होल्ड करके रखता है सॉइल को एंड सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, खुद में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर लेता है, ओके, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये हमें ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव रेस्पिरेशन वेर इन ऑक्सीजन हम लोग देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो फिर जो हमारा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी ने फिक्स भी करना चाहिए। तो प्लांट्स साइनोबैक्टीरिया ऐसे थिंग्स है जो वो काम करते हैं, दैट इज फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कैसे फिक्स करता है ना साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी नाइट्रोजन है ना किसी भी सराउंडिंग में कम रहेगा, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, हेटरोसिस्ट बनाता है, एक पार्ट बनाता है अपने में विच इज नोन एज हेटरोसिस्ट। तो ये हेटरोसिस्ट बेसिकली क्या है, एक लार्ज बट थिक वॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के अलग या फिर अदर कैरेक्टर्स। जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो तो है, पर ये थोड़े अलग कैरेक्टर्स है। तो फर्स्ट इज दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, काइनेट्स एंड हेटरोसिस्ट्स। तो वेजिटेटिव सेल्स मतलब नॉर्मल सेल्स हो गया जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है जब भी कंडीशंस फेवरेबल होते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ओके। तो वेजिटेटिव सेल्स कब रहते हैं, जब भी फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। सपोज साइनोबैक्टीरिया अकाइनेट्स फॉर्म कर रहा है, तो अकाइनेट्स कब फॉर्म करेगा साइनोबैक्टीरिया, जब भी हार्श क्लाइमेट होगा, ओके। बिकॉज अकाइनेट्स क्या है, अकाइनेट्स इज बेसिकली स्पेशल स्पोर्स है विच आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट या वेरिड क्लाइमेट्स। मतलब सपोज हम लोग ड्राई एरिया में साइनोबैक्टीरिया को भी रखेंगे, फिर भी ये अकाइनेट्स फॉर्म करेगा एंड रेजिस्ट करेगा। सपोज हम लोग साइनोबैक्टीरिया को फ्रीज करेंगे, फिर भी वो साइनोबैक्टीरिया अकाइनेट्स फॉर्म करेगा एंड फ्रीजिंग को रेजिस्ट करेगा। ऑल्सो अकाइनेट्स कैन हेल्प द साइनोबैक्टीरिया रिमेन डोमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर आते हैं हम लोग हेटरोसिस्ट, जैसे मैंने अभी बताया, जब भी किसी भी एरिया में साइनोबैक्टीरिया है और वहाँ पे नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो वो क्या करेगा साइनोबैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को अच्छी तरह से फिक्स करने को हेल्प करेगा, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन पे। तो साइनोबैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन रहेगा तो फिर इट हैपन्स ड्यू टू फिजन, ओके। जैसे हम लोग अमीबा में देखते हैं, एक सेल से दो सेल से चार सेल बनते हैं। देन सपोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, देन इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन, ओके।
फिर आते हैं हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स पे. जैसे हमको पता है कि साइनोबैक्टीरिया ऐसे ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, मतलब सपोज वाटर लेवल है उसके ऊपर ऐसा एल्गी जैसा शीट फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग ब्लूम्स बोलते हैं. ओके, तो दे कैन कॉज हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया मतलब क्या, ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, ड्यू टू विच जो भी एक्वेटिक लाइफ है पानी के नीचे इट कैन गेट अफेक्टेड. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा एक्वेटिक लाइफ के लिए. नेक्स्ट आते हैं, अभी तक क्वेश्चन चालू है कि रेदर साइनोबैक्टीरिया क्या अलाउड है ड्रिंकिंग वाटर में रखना या फिर इट इज़ नॉट अलाउड. तो दैट इज़ क्वेश्चनेबल एज इट कैन बी हार्मफुल एज वेल. एंड देर आर मैनी बायोटॉक्सिन विच आर प्रोड्यूस्ड बाई साइनोबैक्टीरिया विच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन्स ऑल्सो. फिर आते हैं हम लोग फाइनल स्टेप पे वेरिंग वील सी दी लाइफ साइकिल ऑफ साइनोबैक्टीरिया. तो लाइफ साइकिल में बहुत ईजी है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ग्रोइंग फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया का. ओके, अभी सपोज ये साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ऐसी जगह में डाल देंगे जहाँ पे लो नाइट्रोजन है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या बनाएगा, तो साइनोबैक्टीरिया बनाएगा हेटरोसिस्ट. ओके, साइनोबैक्टीरिया क्या बनाएगा, हेटरोसिस्ट. सो दिस इज हेटरोसिस्ट. अभी हम लोग साइनोबैक्टीरिया को थोड़ा और हार्श कंडीशंस में डालेंगे, दैट इज इन लो लाइट कंडीशंस, तभी साइनोबैक्टीरिया विल प्रोड्यूस अकाइनेट्स. सो दिस इज अकाइनेट्स, दिस इज हेटरोसिस्ट. ओके, सो एज इट इज प्लेस्ड, एज साइनोबैक्टीरिया इज प्लेस्ड इन हार्श कंडीशंस, तभी उसका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इट विल मेटाबोलाइज. ओके, सो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये है सी फ्लोर. ओके, ये है सी फ्लोर. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया जो रिड्यूस मेटाबॉलिज्म में जी रहा है, इट विल ट्राई टू सेडिमेंट द एजिटेट द सेडिमेंटेशन. ओके, तो सी में जाएगा नीचे एंड इट विल ट्राई टू एजिटेट द सेडिमेंटेशन. ठीक है, एंड देन इट विल जर्मिनेट. तो जर्मिनेशन के टाइम क्या होगा, अकाइनेट्स जो है वो रिमूव हो जाएगा. ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गैस वेसिकल्स फॉर्म करेगा. ओके, एंड फाइनली जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा तभी इट विल फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स. अभी वेजिटेटिव सेल्स तो आ गए, बट देन इट विल अगेन रिक्वायर यू नो ग्रोथ, हेंस इट विल अगेन कंटिन्यू दिस साइकिल. सो ये है बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ साइनोबैक्टीरिया. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और आपको पसंद आया है तो फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.